ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने क्या किया था, 2014 एंड 15 का, तो उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, वो मैंने किया नहीं अभी। बाकी बताओ, डाउट अगर है तो ट्राई किया आप लोगों ने 14 15 में कुछ पूछना है, या 13 और 12 का डिस्कस करें आज? देख लो, अगर डाउट ट्राई किया आपने तो बताओ। एक क्वेश्चन वो रहेगा, मैं ट्राई नहीं कर पाया तो मैं कल ट्राई करता हूँ, मैं देख लेता हूँ, भूल जाऊंगा तो। किस ईयर का था? 2015 का था ना। बताओ भाई, कुछ डाउट पूछना है या आगे बढ़े? सर नहीं सर, उसके बाद भी और क्वेश्चंस थे, आपने कंप्लीट नहीं किए। नहीं बताइए। जैसे आपने कंप्लीट किए? मतलब की है, लेकिन कुछ बाकी है अभी भी कुछ क्वेश्चन। हाँ, तो उसको कंप्लीट कीजिए, ट्राई कीजिए, डाउट क्लास में पूछिए। अगर अभी आपने ट्राई किया है और नहीं हुआ है तो फिर बताता हूँ। अगर ट्राई किया ही नहीं है तो ऐसे मत पूछो, फिर टाइम पास होगा आपका उसमें। अब ट्राई करके आओ तब डाउट पूछो, डाउट कोई पूछो जो आप ट्राई करके आओ। ये है जो क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट छोड़े हैं, आधा किया मैंने बोला कर लेना, तो वो क्वेश्चन आप करो पहले ट्राई, और फिर जब नहीं हो तो बताओ। ये है। सर एक्सपायरी वाला क्वेश्चन हो गया था। अच्छा नहीं, वो अभी कराया नहीं क्योंकि मैं ट्राई नहीं कर पाया, तो मैं कल कराता हूँ, अभी ट्राई नहीं किया अच्छा मैंने। अच्छा एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था, मुझे लगा मैं भी। हाँ, वो बताया नहीं। और कोई क्वेश्चन दूसरा उसके अलावा कोई है? अभी तो नहीं चला। अगर आपने ट्राई किया हो, क्योंकि मैं तो बस हिंट दिया था ना बाकी क्वेश्चंस का, तो उसका अगर बचा हो तो बताइए। और आप लोगों ने ट्राई किया, अगर सॉल्व हुआ हो वो क्वेश्चन। मैंने ट्राई किया ही, आज टाइम नहीं मिला, उसमें टीए ड्यूटी था तो उसमें था, तो नहीं तो आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी एक ट्राई करो, खुद ही ऑनेस्टली ट्राई करो आप, जैसे गेट 2023 से, क्योंकि आप मेहनत करोगे आपके रिजल्ट और आपका नॉलेज बढ़ेगा। ये चीजें नहीं करोगे आपका नुकसान है। 2000 मैं 2023 से स्टार्ट किया था डिस्कशन हम लोग, है ना, अभी लास्ट क्लास में 2014 और 15 का किया था, और वापस है ना 15 14। तो इसमें अभी भी कोई डाउट हो, लेकिन पहले आप वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि जो बैच 6 का प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के, उसमें इसका रिकॉर्डिंग है जो हमने लाइव डिस्कस किए हैं। तो उसमें अगर डिस्कस नहीं किया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं भी समझ नहीं आया तो फिर भी पूछ सकते हैं। ये है। तो 14 15 का पेपर अगर आपने जैसे सॉल्व किया हो, उसमें एक क्वेश्चन रह गया है, वो मैं अभी कल कराऊंगा कि मैं सॉल्व किया नहीं, और बाकी जो कोई क्वेश्चन है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज है। तो अभी अगर नहीं डाउट है तो 2013 का डिस्कस करते हैं, फिर 2012 का, है ना, 12 13 का, क्योंकि इसमें 10 10 क्वेश्चन, अराउंड 10 क्वेश्चन ही होंगे ना, प्रोबेबिलिटी के मिला के लीनियर अलजेब्रा के, देखते हैं। तो ये थिंक 15 का पेपर है, तो कल हमने डिस्कस किया था 14 वाला, तो अभी आते हैं 13 और 12 का। किस ईयर का चल रहा है? 2010। तो 10 का तो ये तो ये 12 यहां से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो देखिए 12 में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2012 गेट मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग मेनली वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे सिलेबस का है, जो अभी सिलेबस है गेट स्टैटिस्टिक्स 2024 में। देखिए तो ये L1 L2 L3 मैप ट्रांसफॉर्मेशन, इसको छोड़ सर दो। यहाँ पर कहाँ कुछ भी नहीं है सर, वो उनका जी पे होगा? सर, मतलब अभी नहीं है क्वेश्चन अच्छा नंबर 8 कुछ। अच्छा 8 है सीधा ना। तो ये सब हमारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, तो सीधा हम लोग इनिशियली ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है, ये सब भी नहीं है। 8th हम कर सकते हैं जी, 7th हमारे सिलेबस का है नहीं, 8th देख सकते हैं हम।
तो ये तो आप लोग ट्राई किए होंगे, आसान है ऐसे तो। एक पीडीएफ दे रखा है, एक्स का पीडीएफ दे रखा है वाई थी, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, एफ वाई ऑफ वाई बराबर एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई का मॉड, बस बाद में एक्स को वाई के टर्म में लिख देना है, तो उससे आ जाएगा कि इसमें सबको वाई के टर्म में लिख देना है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये इजी है, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे आप लोग, क्योंकि एक्स जीरो से स्टार्ट है तो वाई टू से स्टार्ट होगा। ट्राई किया आप लोगों ने, क्या आएगा? इजी ऐसा तो देख के लग रहा है थ्री बाई फाइव है, लेकिन यहाँ पे चेंज आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना है, थ्री है, तो डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा वन बाई थ्री, तो ये तो वन बाई थ्री हो जाएगी, और ये वाला पीडीएफ रख देंगे आप, तो ये तो एक लाइन का ही है सॉल्यूशन, तो यहाँ से थ्री बाई फाइव ई की पावर माइनस थ्री बाई फाइव एक्स, तो यहाँ से एक्स निकालेंगे वाई माइनस टू बाई थ्री, तो y माइनस टू बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री, तो ये थ्री इस थ्री को कैंसिल कर दिया, ये थ्री इस थ्री को कैंसिल कर दिया, तो वन बाई फाइव ई की पावर माइनस वन बाई फाइव y माइनस टू, देखो ये होगा, देख लीजिए तो सीधा सीधा, और x यहाँ जीरो से स्टार्ट है तो y की वैल्यू टू से स्टार्ट होगी, तो ये हो गया, तो काफी आसान है ट्रांसफॉर्मेशन का है। नाइन जो है कह रहा है कि अ सिंपल रैंडम सैंपल साइज 10 इसलिए नॉर्मल से गिव्स 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिस, ठीक है, तो आपके पास जो 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है किसका, म्यू का ना, वो आपको दे रखा है इंटरवल, सो 20.49 से 23.51 तक है, ये 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो मतलब अगर मैं टू साइडेड टेस्ट लिख रहा हूं अगर, तो इधर 1% होगा और इधर 1%, ठीक है ना, देख लीजिए, तो रिजेक्शन रीजन की प्रॉपर्टी इधर 1%, इधर 1%, 2% है। अब कह रहा है कि टेस्ट कर रहे हैं आप म्यू इज इक्वल टू 20.5 अगेंस्ट म्यू नॉट इक्वल टू 20.5, ओके, तो कैन बी रिजेक्टेड एट 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कैन नॉट बी रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कैन बी रिजेक्टेड एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कैन नॉट बी रिजेक्टेड एट एनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बताइए। तो अब तो यहां पे क्या होगा, 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो भी ये वैल्यू कहां लाई कर रही है, रिजेक्शन रीजन में या एक्सेप्टेंस रीजन में, अभी 2% रिजेक्शन रीजन की प्रॉपर्टी है, तो अभी ये 20.5 किस में है, ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है और ये रिजेक्शन रीजन है, तो अभी किस में लाई कर रही है, 20.49, तो 2% में तो एक्सेप्टेंस रीजन में, क्योंकि 2 अभी तो एक्सेप्टेंस रीजन में है, तो 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे हम तो एक्सेप्ट हो जाएगा एच नॉट, ठीक है, तो ये गलत कह रहा है, रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो जैसे अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब 2.5% इधर 2.5% इधर, तो ये इंटरवल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी ना, अगर आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे तो ये बीच में बचेगा 95%, है ना, तो 95% जब बचेगा तो ये इंटरवल कुछ इधर शिफ्ट होगा, तो अगर 95% जो ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल का लेंथ है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, और 5% है, तो अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टेस्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू कहां बिलोंग करेगी, सर कैन बी रिजेक्टेड, है ना, तो ये रिजेक्शन रीजन में आ जाएगा क्योंकि वो लेंथ कहीं ना कहीं आगे शिफ्ट होगी, तो ये रिजेक्शन रीजन में ही आ जाएगा, तो कैन नॉट गलत कह रहा है ये, कैन बी रिजेक्टेड एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर आप 10% करेंगे तो ये 90% बचेगी, तो ये लेंथ होगा इंटरवल का, तो 5% इधर 5% इधर, तो आपका एक्सेप्टेंस रीजन ये 90% प्रोबेबिलिटी है उसकी, तो 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये वैल्यू कहां बिलोंग करेगी, बाहर उसके,
मतलब एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में? रिजेक्शन रीजन में। तो कैन बी रिजेक्टेड एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो हो गया ठीक है। तो 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे मतलब 5% उधर 5% उधर। तो अभी जब 2% था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो वैल्यू यहां थी, जब ये लेवल सिर्फ 5% होगा तो इंटरवल छोटी हो जाएगी तो रिजेक्शन रीजन बड़ी हो जाएगी, तो ये रिजेक्शन रीजन में ही आ जाएगा, तो 10% पे रिजेक्ट कर पाएंगे। ये है ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स, हालांकि इसको ट्राई कर सकते हैं आप, है ना, ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसको ट्राई किया जा सकता है। अल्फा आपके पास है e की पावर 2 पाई आयोटा 5, मतलब अल्फा इज लाइक कॉस 2 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 5, है ना, यही है ना, इसको e की पावर आयोटा थीटा आप लोग जानते होंगे, तो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आइलर्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको। तो पूछ रहा है कि द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स I, M और सर ये सर एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसका सर सारे आइगन वैल्यू मतलब आइगन वैल्यूज इसके मतलब इसके डायगोनल एंट्रीज इसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, तो उसको सर वो डायगोनल एंट्रीज का सम हो जाएगा ट्रेस जी, क्या आएगा? तो I का, I तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस कितने का है ये, तो ये अभी क्या है, 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस 5 का है। तो अभी इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू का सम क्या होगा? तो आई में तो 1 1 1 1 1 है 5 बार, इसमें है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4, एम स्क्वायर में क्या होगा, जस्ट स्क्वायर हो जाएगा 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 अल्फा 6 अल्फा 8, और मैं ऐसे लिख रहा हूं करेस्पॉन्डिंग। तो बताइए जब ये i की आइगन वैल्यू है, ये m की है, ये m स्क्वायर की है करेस्पॉन्डिंग, तो ट्रेस कितनी हो जाएगी? तो पहले तो हमारे पास i प्लस m प्लस m स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी, ये ऐड हो जाएगा 3, ये ऐड हो जाएगा, फिर ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये तो ये सब ऐड कर देंगे तो आइगन वैल्यू आ गई ट्रेस के लिए, फिर इन सबको ऐड कर दो तो टोटल ऐड करके कितना आ जाएगा ये? जी अब यहां से आपने, आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप लोगों ने सुना है, लोअर क्लास में पढ़ा होगा, सो वैसे ही फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए आयोटा की पावर सॉरी अल्फा की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगा ठीक है ना, e की पावर 2 पाई cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई, यहाँ भी पावर लगाएंगे पावर हो जाता है, ये क्या डी मोइवर्स फॉर्मूला था, डी मोइवर्स थ्योरम, तो वो मल्टीप्लाई कर देगा cos 2 पाई बटा sin 1 हो गया, तो मतलब अल्फा इज द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा इज फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है वैसे ही इस इक्वेशन के पास 5 सॉल्यूशन है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4, बस ये 5 सॉल्यूशन है इसके। ओके तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यू किसके इक्वल आएगी? अगर आपसे पूछा जाए 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4 किसके इक्वल आएगा, अल्फा की पावर 5 माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 ठीक है, इसके इक्वल आएगा, इन सबको ऐड कीजिए तो कितना होगा, मैं ये पूछ रहा था आप देखिए यहां से अगर आप ऐड करेंगे तो इनका सम हो गया 5 ठीक है। ट्रेस का मतलब क्या, पहले तो आप इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे, तो ये सम आइगन वैल्यूज हैं, फिर इसको ऐड करना है ट्रेस आगे, मतलब सबको मुझे ऐड करना है इनडायरेक्टली, तो ये 5 हो गया, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 3 अल्फा 4 इसका सम कितना आएगा, अल्फा 5 की वैल्यू कितनी है, बाकी लोग समझ आ रहा है कि नहीं, अल्फा की पावर 5 कितना है यहाँ पे, 1 है ना,
ये तो फॉर्मूला है, दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ऐसे भी आप बता सकते हैं, सम ऑफ रूट्स पॉलीनोमियल में जानते होंगे ना, तो ये पॉलीनोमियल 0 आएगा, तो इसका सम 0 हो गया। अब ध्यान दो, यहां 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 अल्फा 6 अल्फा 8, अल्फा 8 इक्वल हो जाएगा अल्फा की पावर 5 * अल्फा की पावर 3, ये अल्फा की पावर 3 के, ये अल्फा की पावर 1 के, तो फिर से इसका सम भी 0 आ गया, क्यों 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 ये सब मिलके 0 हो गया। तो कहने का मतलब इसकी जो फाइनल आंसर 5 प्लस 0 प्लस 0, तो इसका आंसर 5 होगा। सर 8 रूट ऑफ यूनिटी के मतलब इसमें ऐसे cos 2 पाई बाय 8 होगा तो 8 रूट ऑफ यूनिटी होगा। जी जी जी। अब थर्ड रूट ऑफ यूनिटी जानते हैं ना, 1 ओमेगा फिर वहां था 2 पाई बाय 3 आयोटा ना आई, तो 2 पाई बाय 3 वहां पे होता है थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिसको बोलते हैं, पाई बाय 2 कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आ जाएगी 2 पाई आई बाय 2 है ना, तो पाई आई हो जाएगा, cos पाई कितना होता है तो सर होता sin पाई, ठीक है जी। तो इसका आंसर ये, आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं किसी को डाउट आपने से। सो ये हमारे पास रियल वेक्टर स्पेसेस पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस हमारे जो सिलेबस में क्या है, रियल वेक्टर स्पेसेस है, रियल बेसिस तो हम लोग के सिलेबस में नहीं है यहाँ पे क्या है, हाँ ये सब नहीं है सिलेबस में, ड्यूअल बेसिस छोड़ दो। तो अभी सर अभी नहीं है सर, ये क्या है इंटीग्रल इक्वेशन है, इसको छोड़ दो, इंटीग्रल इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, ये वाला कर सकते हैं आप, पर ये है सर क्वेश्चन 21, सो ऑप्शन सी है आंसर। तो ये तो इजी है, क्या करना है, a की पावर 50 का 50 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, a स्क्वायर a क्यूब a 4 चार बार मल्टीप्लाई करके एक पैटर्न दिख जाएगा, पैटर्न से आप डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी है। अच्छा सी आया, बाकी लोग वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है ना, अब चेक कर लीजिएगा, जस्ट a a स्क्वायर 3 4 मैट्रिक्स निकालो, उसके हिसाब से पैटर्न दिख जाएगा, पैटर्न के हिसाब से ये 50 आप बता देंगे। क्या है आइगन वैल्यू का मैट्रिक्स ओके ना, नहीं ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, टू इटरेशन ये सब उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, ये हमारे पास है, हाँ ये सेट कंप्लीट बाउंड, ये सब सेट नहीं पढ़ना आपको। देखिए यहाँ पे क्या है कि If a random variable x assumes only positive integer values, the probability this, तो ये कौन सा distribution है? Geometric distribution. है ना, geometric का number of ये number of trial required to get the first success. इसका mean कितना होता है? P यहाँ and P यहाँ 2 by 3 है ना? P Q की power x minus 1. तो x कितना होता है इसमें? So 1 by 3. 1 by P तो यहाँ 3 by 2 आ जाएगी. है ना, और दूसरे वाले केस में q by p होता है जब सपोर्ट 0 से स्टार्ट होगा, तो ये है, तो यहां से एकदम इजी है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अच्छा तो ये देखिए, ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज दिस, तो ये है h नॉट लैम्डा 3 h1 5 गिवन है, रिजेक्शन रीजन गिवन है, ठीक है ना, रिजेक्ट h नॉट इफ बता रखा है, तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, पावर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, तो आ जाएगा सिंपल है, आप फार्मूला लगाइए हो जाएगा। तो ये सब ग्रुप ग्रुप नहीं हमारे सिलेबस में, ये सब इन सब ग्रुप का क्वेश्चन है। इसका बताइए, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्क्यू हर्मिशियन है, तो ये तो इजी है डिसाइड करना, तो स्क्यू हर्मिशियन का डेफिनेशन क्या था, कि m स्टार इज इक्वल टू माइनस m, स्टार क्या होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट भी लेंगे और ट्रांसपोज भी लेंगे साथ में आप,
करके देखिए, m स्टार का मतलब है m ट्रांसपोज, साथ में कॉन्जुगेट लगाने हैं, तो ये हो जाएगा। चेक कीजिए सेम आ रहा है क्या। हर्मिशियन क्या होता है, हर्मिशियन होता है कि m स्टार m के इक्वल आ जाए, है ना। तो ये सिमेट्रिक का एक्सटेंशन है कॉम्प्लेक्स नंबर में हर्मिशियन, और स्क्यू सिमेट्रिक का एक्सटेंशन है कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्यू हर्मिशियन। तो उसके हिसाब से ट्राई करना आपको। अब ये थ्योरम है, यहां से देख लीजिए हर्मिशियन है क्या। यस सर, हर्मिशियन। तो उससे आप जानते हैं कि, है ना, मतलब थ्योरम है डायरेक्टली कि अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सारी आइगन वैल्यू उस तरह से रियल होंगे, उस तरह से आपको आइडिया लगाना है, और वो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरम देख लीजिएगा, जैसे कोई चीज कंफ्यूजन, मान लो उसकी हर्मिशियन नहीं पता आपको, किसी को नहीं पता, क्या करना, गूगल करना है जस्ट एक बार, इसके अंदर गूगल पर टाइप करो, डेफिनेशन आ जाएगा। तो वो चीज है, आप उससे फिर आप देखिए वेरीफाई करके है कि नहीं है, फिर इसका थ्योरम होता है डायरेक्टली, आप थ्योरम वेरीफाई कीजिए, इससे आ जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करो, पहले तो चेक करो कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से थ्योरम चेक करो। तो ये कैलकुलेशन करके देखो आप, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अभी सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हैं आप लोग, ये सब इंटीग्रल है, ये सब छोड़ दो। ये मान लिया ना, तो इंटीग्रल इक्वेशन है यहां से। तो अब क्या करना आपको, लिंक्ड क्वेश्चन है, मतलब ये हो गया आपके पास कि एक जॉइंट पीडीएफ दे दिया, तो ex और ey पूछ रहा है, आसान है ना, मार्जिन निकालिए, मीन निकालिए, मार्जिन निकालिए, मीन निकालिए, कोवेरियंस पूछ रहा है, ये आसान, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ये, तो आपको कैलकुलेशन करना है जस्ट, नॉट कन्फॉर्मल, ये सब नहीं है सिलेबस। तो ये 2000 अभी लास्ट में, ये लोग यहाँ पे पहले ना ये सारे एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन लास्ट में दे रखे हैं, तो 2012 में जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए, तो आप एक बार कंफर्मेशन के लिए जस्ट सॉल्व कर लेना कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, आंसर निकाल कर देख लो। तो एग्जाम में क्या होगा, अभी आप आधे दौरा छोड़ दोगे, एग्जाम में सेम सिचुएशन आ जाएगी कि वहां आपको पता तो होगा कैसे करना है, लेकिन आधे पे अटक, क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं करोगे आप, तो वहां आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, फिर बीच में कहीं फंस गए तो फिर दब लगेगा, कहा सॉल्व कर लिया। इसलिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कीजिए, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, फिर ऑप्शन भी मैच कीजिए, ऑफिशियल आंसर किसे मैच करके देखिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आंसर यहाँ अटैच है ऑलरेडी, ये ड्राइव में है ये क्वेश्चन, तो आप इससे मैच कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 2012 का देखा है ना, अराउंड 10-15 क्वेश्चन मिलते हैं लीनियर अलजेब्रा, और हम लोग मेनली वो कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी वाले। सो अभी 2013 का एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं, ठीक है।